हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है द विचर द मैंडलोरियन और HBO Max की अपकमिंग सीरीज द लास्ट ऑफ अस से। तो बस फिर ये जानने के लिए वॉच वीडियो टिल द एंड। पर उससे पहले द व्हील ऑफ टाइम सीरीज का एक न्यू पोस्टर रिवील किया गया है जिसमें आपको देखने को मिलती है मॉयरेन डेमोड्रेट और साथ में उसका कंपेनियन लैंडमैन ड्रैगरिन। और ये बात मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ कि मॉयरेन इस सीरीज का लीड कैरेक्टर है और मेनली ये पूरी सीरीज उसी के रोल पर फोकस करेगी क्योंकि अकेली वही है जो कि सभी को एक साथ लेकर आएगी। और बाकी कहानी जाननी है तो वीडियोस पहले से ही बना दिए गए हैं, जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएंगे। वेल, अगर बात करें द विचर की, जो रिसेंटली इस सीरीज से एक नए पोस्टर को रिवील किया गया है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं हेनरी कैविल यानी कि गेराल्ट ऑफ रिविया और इसमें कुछ लिखा है डेस्टिनी टू प्रोटेक्ट यानी कि इस बार अपने गेराल्ट ऑफ रिविया की नियति है बचाना। और वो किसको, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे अगर सच्चे वाले विचर फैन हो तो। और बाकी इस सीरीज का सीजन 2 आपको 17th ऑफ दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करें दी मैंडलोरियन की, तो रिसेंटली इस सीरीज से कुछ नए फोटोज लीक हुए हैं। अब क्योंकि लीक हुए हैं तो यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, डिटेल में देखना है तो मैंने इन फोटोज को अपने टैब पर पोस्ट कर दिया है तो वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। और वैसे भी फोटोज ब्लर हैं, बस यही मालूम पड़ रहा है कि हाँ शूटिंग चल रही है। और अगर बात करें कि ये शो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो फिलहाल कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, बस ये कन्फर्म है कि ये शो आपको 2022 के एंड तक ही देखने को मिल पाएगा। और बाकी इस सीरीज के पहले के 2 सीजन भी आपको जल्द ही हिंदी डब के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अगर बात करें HBO Max की अपकमिंग सीरीज द लास्ट ऑफ अस की, तो फिलहाल इस सीरीज की शूटिंग चल रही है कनाडा में एंड वहां से पेड्रो पास्कल का एक फोटो सामने आया है जिसमें वो प्रिपेयर तो नहीं है पर फिर भी उनका लुक आपको हल्का बहुत जोएल की तरह ही देखने को मिलेगा जैसा कि हमने गेम्स में भी देखा है। और ये रहा उनका फर्स्ट अनऑफिशियल लुक क्योंकि ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। और एक और फैक्ट इस सीरीज के बारे में ये निकल के आया है कि पेड्रो पास्कल इस सीरीज के लिए पर एपिसोड करीबन $600,000 चार्ज कर रहे हैं यानी कि $600,000 जो कि अपने प्रोफेसर और गेराल्ट ऑफ रिविया से भी कहीं ज्यादा है। और बाकी अगर बात करें कि ये शो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो फिलहाल कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, बस ये कंफर्म है कि ये शो आपको 2022 में देखने को मिलेगा, फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ तो फिलहाल वो भी कंफर्म नहीं है पर फिर भी उम्मीद सेकेंड हाफ की ही लग रही है। और फ्यूचर में इन सभी शोज के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही एंड अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।